Hi guys, welcome to my channel. I am Swati. कैसे आप सब? I hope you all are doing great. आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही amazing. आज की वीडियो में मैं बहुत ही awesome collection लेके आई हूँ Amazon से. Amazon पे sale live है तो बहुत ही अच्छी deals आपको वहाँ पे मिल जाएंगी. The Great Republic Day sale live है तो आप देख लेना, बहुत awesome से deals है. मैंने कुछ बहुत ही awesome से पीसेस पिक किए हैं Amazon से. इसमें है एक स्कर्ट बहुत ही अमेजिंग सी, और कुछ कुर्तीज़ हैं, मैक्सी ड्रेस है, और एक रेडीमेड सूट भी है. मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगी, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड की है. तो फिर चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. मैं सबसे पहले आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा शरारा सूट दिखाना चाहती हूँ. दिस इज़ अ वेरी रियली वेरी अमेजिंग शरारा सूट एंड इन अ वेरी रीजनेबल प्राइस. गाइस, यू वोंट बिलीव, ये पूरा का पूरा सूट सेट इज़ लाइक क्लोज टू 900 रुपीज़, और उसमें बहुत ही अच्छा स्टफ, कॉटन का, प्योर कॉटन का ये सूट है. शरारे का फ्लेयर बहुत अच्छा है, मतलब जो भी मुझे चाहिए था वो सब इस सूट में है. तो इसको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी. अगर आप कुछ देख रहे हो कोई कॉटन बेस पार्टी वेयर सूट, शरारा सूट, तो आप इसको ज़रूर ले सकते हो. इसमें दो कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, एक ये पीच सा है, ग्रीनिश सा है. सबसे पहले इसकी कुर्ती से स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज़ इट्स कुर्ती. ये प्योर कॉटन में कुर्ती है, थोड़ी शॉर्ट लेंथ की कुर्ती मिलेगी आपको. इस कुर्ती पे पूरा गोटा पत्ती का वर्क मिल जाएगा. नेक पे कुछ इस टाइप से गोटा पत्ती, पूरी लेस लगी हुई है. इट्स अ लेस, और थोड़ी थिक लेस है और हैवी लेस है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है. और पूरी कुर्ती पे इस टाइप से लाइंस में भी आपको गोटा पत्ती का वर्क मिल जाएगा. जो जिसके चाक होते हैं इसमें भी आपको इस टाइप की मोटी लेस मिल जाएगी गोटा पत्ती के वर्क की, और लेस की क्वालिटी इज़ वेरी गुड. फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसकी स्लीव्स पे भी आपको इस टाइप से लेस मिल जाएगी. ठीक है, ये तो इसकी कुर्ती हो गई कुछ इस टाइप की. अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसके शरारा. शरारे इसका इज़ सो नाइस. आप देख ही रहेंगे इसका फ्लेयर, देखो एक ही पैर का जो फ्लेयर है वो कितना बढ़िया फ्लेयर है. एक ये दूसरा है, मतलब इसका जो शरारा है वो प्रॉपर एक्चुअल खूब फ्लेयर वाला शरारा है, विच इज़ लुकिंग वेरी नाइस. पहनने के बाद बहुत अच्छा आ रहा है. और इसमें भी आप देख रहे हो कि शरारे में नीचे भी गोटा पत्ती का वर्क हुआ हुआ है, मोटी सी बेल लगी है, और ऊपर भी बेल लगी है गोटा पत्ती की ही. तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर वाला शरारा है. ऊपर से आपको इलास्टिक मिल जाएगी, और ये स्ट्रिंग, ड्रॉ स्ट्रिंग भी मिल जाएगा ना पहनने के लिए. तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. मैं 5'6" हूँ, तो मेरे ऊपर इसकी जो लेंथ है वो एकदम प्रॉपर बढ़िया आई है. तो ये बहुत ही अच्छा शरारा है. इसमें बस एक चीज़ ये लगी कि मुझे इसका ये जो ये पोर्शन है ना, थोड़ा सा लंबा लगा, बट एनीवेज उसमें कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं है. बट पहनने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा है. और थर्ड थिंग, इसका जो दुपट्टा है गाइस, वो पूरा लंबा चौड़ा दुपट्टा है. आई मीन लेंथ वाइज, विड्थ वाइज, इट्स एक्चुअली वेरी ऑसम. आप ये देख ही रहेंगे, पूरे सेम कलर में, सेम प्रिंट का, हल्के फैब्रिक का दुपट्टा है, मतलब लाइट सा कॉटन है. एंड इसके एंड पे इस टाइप से आपको गोटा पत्ती का वर्क मिल जाएगा. तो ये जो पीस है ना, ये मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी. अंडर 1000 आप देख ही रहे होंगे, जैसा प्रोडक्ट मिला है वो अमेजिंग है. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एक दिस रैपरॉन ड्रेस ही बोलूँगी इसको. इट्स लाइक अ मैक्सी कुर्ती, बट ये रैपरॉन स्टाइल में है. दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड जनासिया, एंड इस पर आपको देख रहा होगा कि फ्रंट में कुछ इस टाइप से पूरे वन पोर्शन पे आपको फॉयल प्रिंटिंग मिल जाएगी, गोल्ड फॉयल प्रिंटिंग, एंड क्वार्टर स्लीव्स है इसकी. और जो अनदर पोर्शन है दूसरे साइड का वो है प्लेन. इसका जो फैब्रिक है दैट इज़ क्रेप फैब्रिक, सिंथेटिक में है ये. तो थोड़ी सी गर्मी लग सकती है, बट अभी तो विंटर्स हैं, तो विंटर पार्टी में अगर आप पहनने के लिए कुछ देख रहे हो तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो. दिस इज़ वेरी वेरी रीजनेबल. अगेन दिस इज़ फॉर रुपीज़ जस्ट 499, और उसमें बहुत अच्छी डील है क्योंकि सेल चल रही है, तो सेल पे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में. तो ये ना रैपरॉन स्टाइल में है, मतलब आप एक इसकी डोरी लेके अपने इस साइड टाई अप करोगे, और दूसरा वाला पल्ला आप ऐसे टाई अप करोगे, तो एक अंगरखा स्टाइल का फ्रंट ओपन सा मैक्सी गाउन आपको मिल जाएगा. इसकी जो लेंथ है ना, वो फुल लेंथ है,
तो ये पहनने के बाद बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। समटाइम्स हमें कुछ ऐसी ड्रेसेस चाहिए होती हैं जिसको बार बार वॉश करें और ख़राब भी ना हो, तो ये कुछ इस टाइप की सिंथेटिक मटेरियल की ड्रेस है, रैपरॉन वाली, स्टाइलिश भी है, तो इसको भी मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी। और इसका फिट भी एकदम बहुत ही अच्छा आया है, फिट में भी कोई भी इशू नहीं है, नेक भी डीप नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है पहनने के बाद भी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एक अनदर ड्रेस की ओर जो मैंने जनासिया से ही परचेज़ किया है, लाइक द ब्रांड नेम इज़ जनासिया, और उसमें जो सेट है दैट इज़ अ क्रॉप टॉप, प्लाजो एंड देन अ जैकेट। तो ये ब्लैक कलर का सेट है पूरा, इसमें आपको इस टाइप का क्रॉप टॉप मिल जाएगा जिसकी नेक पे इस टाइप से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, दिस इज़ अ वेरी फाइन एम्ब्रॉयडरी, और नीचे भी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, गोल्डन थ्रेड और सीक्वेंस का वर्क भी है इसमें, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्रॉप टॉप की फिटिंग बहुत अच्छी है, साइड में इस आपको यहाँ पे जिप मिल जाएगी इसके, तो ये ओपनेबल है, साइड से जिप है अच्छी फिटिंग के लिए। सो दिस इज़ द क्रॉप टॉप, और इसके नीचे है ये कुछ इस टाइप से ब्लैक कलर का प्लाजो, सो दिस इज़ लाइक फुल लेंथ प्लाजो, और काफ़ी सही फिटिंग आई है इस प्लाजो की। एंड इसके ऊपर गाइस फिर ये ब्लैक जैकेट है कुछ इस टाइप की, सो जो यंग गर्ल्स होती हैं उनके ऊपर ये ड्रेस बहुत अच्छी लगने वाली है। इसका जो फैब्रिक है दैट इज़ अगेन सिंथेटिक मटेरियल, लाइक क्रेप टाइप फैब्रिक है, और इस पर गोल्ड फॉयल प्रिंटिंग हो रखी है, क्वार्टर स्लीव्स है, और यहाँ पे इसमें पाइपिंग भी दे रखी है गोल्ड कलर की, तो ये बहुत ही अच्छी सी जैकेट है जो इसके ऊपर आप वेयर करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और गाइस ये जैकेट आप अपनी दूसरी ड्रेसेस के साथ भी वेयर कर सकते हो, सो ये जैकेट काफ़ी वर्सेटाइल है और काफ़ी डिफरेंट तरीके से इसको भी स्टाइल अप किया जा सकता है। सो दिस इज़ नॉट अ फुल लेंथ जैकेट, थोड़ी ये आपकी काफ लेंथ की जैकेट है, तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है पहनने के बाद, और ये भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, अराउंड 1000 के अराउंड इसका प्राइस है, और वेडिंग फंक्शंस में यंग गर्ल्स जो होती है उनके ऊपर ये ड्रेस बहुत अच्छी लगने वाली है, तो इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट गाइस मैंने ना एक सूट ऑर्डर किया था, इट्स अ सेमी स्टिच सूट, इसके साथ आपको ये कुर्ती मिल जाएगी, कुर्ती का फैब्रिक है पूरा 2 मीटर्स का, इसमें स्लीव्स इंक्लूडेड हैं, और साथ में इसका बॉटम है और दुपट्टा है, जो बॉटम है वो फुली स्टिच्ड है एंड इट्स अ शरारा, सो दिस इज़ द शरारा जो इसके साथ आया है, और पहनने के बाद इसकी फिटिंग भी काफ़ी सही है, शरारे में ऑलरेडी लाइनिंग लगी हुई है, ये कुछ इस टाइप की लाइनिंग लगी हुई है शरारे में, और कुछ इस टाइप का ये शरारा है, ऊपर से बेल्ट इन्होंने दे रखी है इलास्टिक बेल्ट, एंड फ्लेयर वाला शरारा है इसका बॉटम, और ये नेट का दुपट्टा है जिसमें पूरे बॉर्डर लगा हुआ है, ये सीक्वेंस वर्क का जॉर्जेट का फैब्रिक है जो कुर्ती का, वो उसी कपड़े का इसमें बॉर्डर लगा हुआ है, 2.25 मीटर का दुपट्टा है ये, और पहनने के बाद मतलब लेंथ वाइज भी काफ़ी सही आ रहा है दुपट्टा। और इसके साथ मुझे रिसीव हुआ था ये कुर्ती का सेट, एक्चुअली जब मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे लगा ये पूरा स्टिच्ड सूट ही है, मैंने इसका प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा, तो ये सेमी स्टिच्ड सूट है और इसके साथ ही कुर्ती का फैब्रिक है विद लाइनिंग, तो इसमें आपको सिर्फ टेलर को कुर्ती स्टिच करने के पैसे देने हैं, शरारा ऑलरेडी आपके पास है, दुपट्टा है, इवन लाइनिंग भी इसमें प्रोवाइडेड है, बस स्टिचिंग के पैसे जाएंगे, तो दिस इज़ अ वेरी नाइस सूट। अगर आप कुछ देख रहे हो ना हैवी, देखो आप इसमें शाइन भी कितनी अच्छी आ रही है, अगर आप देख रहे हो वेडिंग फंक्शन में कुछ ऐसे अच्छी सी शाइनी सी शरारा ड्रेस, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है फिट हमें अच्छा नहीं आता, तो इसमें कुर्ती को आप अपने साइज का स्टिच करा सकते हो, शरारा इसमें ऑलरेडी है तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। इन सब प्रोडक्ट्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका प्राइस भी ठीक है, अराउंड 1300 रुपीज़ का है, सो मेरे अकॉर्डिंग अगर ये पूरा फुली स्टिच्ड आता तो ये सही रहता है इतने 1300 रुपीज़ में, थोड़ा सा सेमी स्टिच्ड है तो थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लग रहा है। सो नेक्स्ट गाइस मैंने एक क्रॉप टॉप ऑर्डर किया है, दिस इज़ अ ब्लैक क्रॉप टॉप, और ये ना स्ट्रेचेबल है, और ये गाइस इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज समटाइम्स क्या होता है ना, हमारे पास ब्लैक ब्लाउज हमें चाहिए होता है,
और तभी कि तभी हम स्टिच नहीं करा पाते, तो इस टाइप का आप क्रॉप टॉप ले सकते हो, साड़ी के साथ इसको पेयर अप कर सकते हो, बहुत अच्छी फिटिंग आई है। इसमें भी आपको डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है अमेजोन पे, इसमें आप तो कंसिडर कर सकते हो। दिस आई विल डेफिनेटली रिकमेंड, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है अमेजोन पे। तो अगर आपको डिफरेंट तरह का क्रॉप टॉप देख रहे हो टू पेयर विद साड़ी और मे बी प्लाजो, तो इस टाइप का क्रॉप टॉप आप कंसिडर कर सकते हो। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट गाइस, जो आज की वीडियो है उसमें सबसे अट्रैक्टिव जो प्रोडक्ट है वो ये है। दिस इज़ अ स्कर्ट, ये बहुत ही प्लेटेड स्कर्ट है कुछ इस टाइप की, और काफ़ी फ्लेयर भी इसका सही है, और कुछ इस टाइप का इसका कलर है लाइक कॉफ़ी ब्राउनिश सा। सो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड गाइस, इस स्कर्ट की खास बात ये है कि इसका जो प्राइस है दैट इज़ जस्ट 299 रुपीज़। जब मैंने इसको देखा अमेज़ॉन पे कि सिर्फ 299 रुपीज़ की स्कर्ट है और रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, तो आई वॉज थिंकिंग कि पता नहीं कैसा प्रोडक्ट आएगा, बट जब ये रिसीव हुआ तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी, और पहनने के बाद बहुत ज़्यादा स्मार्ट एंड स्टाइलिश लग रहा है। तो आप कुछ बहुत ही कम इन्वेस्ट करके कुछ अच्छी चीज़ आप परचेज करना चाहते हो तो गो फॉर दिस स्कर्ट, ये बहुत अच्छी है पार्टी वेयर में। आप भी आप इसको पेयर अप कर लाइक वेयर कर सकते हो कुछ अच्छे ज्वेलरी और टॉप के साथ पेयर करके, तो दिस स्कर्ट इज़ वेरी नाइस एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड। बहुत ही यू नो रीजनेबल प्राइस में बहुत ही अच्छा सा प्रोडक्ट है ये, दिस इज़ अ वेरी नाइस स्कर्ट, आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस परचेज। एंड इसका भी जो इसमें भी डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है अमेजोन पे, तो आप उसको देख लेना, अगर आपको जो भी दूसरा कलर अच्छा लगे तो आप उसको देख सकते हो। इन सब प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा और ये कलेक्शन जो है आज का कैसा लगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक बिग थम्स अप देना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी के लिए मेरे पास बस इतना ही है, आई विल सी द नेक्स्ट वन वेरी सून, टिल देन बाय।